तीन मंजिला शोरूम में लगी आग, 1.5 करोड़ों का सामान जलकर खाक। फतेहगंज पश्चिमी कस्बा में इलेक्ट्रॉनिक बर्तन के शोरूम में रात 1:15 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोरूम की दीवार फट गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, परंतु लपटें बढ़ती चली गईं। आग से आसपास के मकानों की दीवारें भी चटक गईं। इससे लोग घरों से बाहर बचने के लिए भागे। एक एक कर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां 5 घंटे में आग बुझा सकी। अग्निकांड में भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। कस्बे की नगर पंचायत के सामने जेनुइन ट्रेडर्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन का शोरूम बना हुआ है। शोरूम 3 मंजिल बनी हुई है, सभी में पूरा सामान भरा हुआ था। मंगलवार की रात करीब 1:15 बजे अचानक आग लग गई। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग यहाँ पर भागते आए। भागने के बाद में हमें ये पता चला कि यहाँ पर आग लगी है, मगर ये आग इस वाले कोने से भी लगी। वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि लाइट से ये वायरिंग करने से आग जले। तो हम लोगों ने जब आगे देखा वहाँ पर, तो सारा शटर खोलने के टाइम पर हमने जब शटर खोला उसका, तो हम लोगों को ये देखा कि आग हमारे ऊपर को कवर कर रही थी उससे। तो हम लोग शटर खोल के पीछे को भागे। फिर हम लोगों ने जितना कोशिश करी पानी बुझाने की कोशिश करी, काफ़ी फिलहाल बुझ नहीं पाई उससे। फिर हम लोगों ने स्टाफ को भी बुलवाया, सारा स्टाफ भी आया, उन्होंने मदद भी की इसमें। फिर फायर सर्विस भी 4 गाड़ियाँ आई यहाँ पर। वो 4 गाड़ियाँ आने के बाद में 8 गाड़ी लगभग इसमें। ये हादसा रात किस टाइम का होगा? ये हम लोगों को पता चली थी, ये 1:20 बजे। तो क्या कारोबार था इसमें आपका? ये जैनब रेटर, इसमें सारा दहेज का इलेक्ट्रिक सामान जितना था, इरी फ्रिज वॉशिंग मशीन जितना भी टोटल सामान होता है घरेलू और वैसे सारा आइटम। कल क्या माल आया था आपका? आपने माल लग रहा है? जी माल आया था, एक खाली माल आया था, इसमें माल भी लगवाया था। तो क्या मानना है आपका जो हादसा हुआ इस तरह से? ये हमारी आपसी पंजीज भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सारा काम जो है प्लानिंग के तहत हुआ है। वैसे इसमें कोई ऐसा बहुत ताल्लुकात नहीं है कि जो स्कारिंग हो और उसके चक्कर से ये पता चल रहा है। इस आगे के बाद शोरूम में कुछ बचाया गया सब आपका? सारा कुछ खत्म हो चुका है। आपको किसी पर शक है क्या? जी शक है आपको? शक तो हमें किसी को नहीं है अभी फिलहाल, जो भी है अब तो पुलिस प्रशासन के ऊपर हमने छोड़ रखा, तो जो भी करें अच्छा ही है। पुलिस को तहरीर दी है क्या आप? जी तहरीर दे रही है। जो कैमरे वगैरह लगे हुए थे सीडीआर वगैरह, उसमें है कुछ सब जल गए? सारे कुछ जल चुके हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। ये कंडीशन है कि लिंटर भी नीचे आ चुका है इसका, तीनों फ्लोर का। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग इसमें नुकसान है करीबन 1.5 करोड़ का। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।